गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ अनुमारा। टुडे आई विल डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, न्यू टॉपिक है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु वर्क टुगेदर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स है, जैसे 4 to 5 हो गए, 9 to 10 ऐसे, ठीक है, वो क्या है, आपस में टुगेदरनेस, मतलब आपस में काम करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट बिकॉज पीपल वर्क टुगेदर कैन अचीव मोर देन अ पर्सन वर्किंग अलोन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि मतलब एग्जिस्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कि बंद कर देना चाहिए। मतलब क्या है, बिकॉज क्योंकि जो मतलब कि मिलके पीपल्स काम करेंगे उससे ज़्यादा अचीवमेंट आ सकती है, ज़्यादा मतलब कि अचीव किया जा सकता है, रेदर देन क्या है, एक पर्सन अलग से करेगा। ठीक है, अगर एक पर्सन अलग से काम करेगा मतलब कि, तो वो कम अचीवमेंट होगी। अगर वो मतलब कि 4 to 5 ग्रुप्स, मतलब कि पीपल्स के ग्रुप्स में करेंगे तो वो ज़्यादा अचीवमेंट पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, फर्स्ट है ए कम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू ऑर्गेनाइजिंग हेल्प द मैनेजमेंट इन मैनी वेज। ठीक है, जो क्या है मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि मतलब कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचिंग टू ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, जो अप्रोचिंग, जो हम अप्रोच करते हैं कुछ भी, ठीक है, मतलब कि अपना आइडिया माइंड में लाते हैं, कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, वो क्या हेल्प करती है, मैनेजमेंट की हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजिंग अलाइज वेरियस रिसोर्सेज टूवर्ड्स अ कॉमन मिशन। इसमें वेरियस इसके इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इट ब्रिंग्स टूगेदर वेरियस डिपार्टमेंट बाई ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब अंडर अ सिंगल स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या है कि जो टूगेदरनेस, मतलब ग्रुप में जो बंदे काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है, और इसमें क्या है कि सिंगल स्पेशलाइजेशन होती है कि सब मतलब कि क्या है कि जैसे अपनी जॉब के रिलेटेड क्या है, सभी में स्पेशलाइजेशन होती है। दिस एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट विल लीड टू यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड हारमोनी इन वर्क। ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब कि क्या है, वो अपनी कोऑर्डिनेशन से क्या है, एस्टेब्लिशमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, इट गवर्न द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बाई डिफाइनिंग एक्टिविटी एंड देयर अथॉरिटी रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो क्या कहते हैं कि उनमें क्या है कि मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको डिफाइन करते हैं, मतलब कि अपने अपने आइडिया को आगे रखते हैं ताकि अच्छी प्लानिंग की जा सके। इट क्रिएट्स द मैकेनिज्म फॉर मैनेजमेंट टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वेरियस एक्टिविटी इन द एंटरप्राइज। इसमें क्या है कि वो क्या करते हैं, अपनी मतलब मैकेनिज्म को क्रिएट करते हैं, मतलब कि अपनी जो मतलब उनकी उनकी सोच है उसको रखते हैं आगे। ठीक है, और इससे क्या है, मैनेजमेंट के मतलब कि आगे डायरेक्ट रखते हैं, वो क्या करते हैं, सभी अपनी अपने आइडियाज़ को रखते हैं और सभी क्या है उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं अच्छी अचीवमेंट के लिए। सेकेंड है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर इफेक्टिव रोल जो फिट फॉर एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, क्या करते हैं कि मतलब मैं जैसे बोल सकते हो कि आप, ठीक है, इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे, तो उनके लिए क्या है कि मतलब उनकी जो भी वो जॉब करते हैं उनके अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इट हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन डिले। ठीक है, उसमें क्या है कि उनको अलग अलग काम दिया होता है, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है और काम भी डिले नहीं होता, एज वेल एज डुप्लीकेशन वर्क एंड ओवरलैपिंग ऑफ फैक्ट्स। उसमें क्या है कि डुप्लीकेशन भी किसी काम की नहीं होती है और ओवरलैपिंग भी नहीं होती, मतलब कि वो अपना अपना काम करते हैं एक दूसरे का नहीं। ठीक है, बेनिफिट स्पेशलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स एंड सब डिवाइड द वेरियस एक्टिविटी। अब इसमें भी यही है कि इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसिंग होती है ग्रुप्स में होती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि सारी चीज़ों की जो एक्टिविटीज़ हैं एम्प्लॉयज की, वो मतलब कि डिवाइडेड की होती है, जॉब्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और जॉब्स किस पर डिपेंड होती है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है उन पर डिपेंड होती है, उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब दी जाती है। दिस हेल्प इन द कॉम्पिटिशन मैक्सिमम वर्क। इसमें क्या है कि उनको मैक्सिमम वर्क दिया जाता है उनके उनकी जॉब के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग, एंड मिनिमम टाइम इंश्योरिंग द बेनिफिट ऑफ स्पेशली। और उनको क्या है कि बोला जाता है कि वो मिनिमम टाइम में काम को कंप्लीट करें ताकि अच्छा बेनिफिट पाया जा सके। प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट मीन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग ही है कम्युनिकेशन, आपस में बात करके अच्छे आइडिया क्रिएट करना, प्लानिंग करना। ठीक है, इससे क्या है कि जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छा बनता है आपस में, और इट्स स्पेसिफिक चैनल एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद डिफरेंट मेंबर। इससे क्या है कि डिफरेंट मेंबर के साथ क्या है कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट है क्रिएट ट्रांसपेरेंसी। दिस जॉब एक्टिविटी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉयज आर क्लियरली डिफाइंड ऑन द रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब। अब इसमें क्या है क्रिएट ट्रांसपेरेंसी, इसमें क्या है कि जो जॉब की एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जाती है एम्प्लॉय की तरफ से, ठीक है, क्लियरली डिफाइंड होती है, और इसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन विद डिटेल ओवर आउट व्हाट एग्जैक्टली हैज़ टू बी डन इन द एवरी जॉब। ठीक है, उसको पता होता है कि एवरी जॉब मतलब जो भी उनके जॉब का पार्ट है उसमें क्या डन करना है, क्या काम करना है। ऑर्गेनाइज फिक्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग एम्प्लॉयज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइज जो है वो क्या है एक फिक्सेशन होती है। ठीक है,
जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिस ब्रिंग द क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, व्हेन रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज देयर एक्जिस्ट अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क अमंग डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज। अब इसमें एक डिपार्टमेंट में और एम्प्लॉइज में क्या है, इक्वली क्या है, डिवीजन की जाती है काम की, ठीक है। मैनेजमेंट कैन मल्टीप्लाई इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई, मतलब कि अगर अच्छे से काम किया जाएगा तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मल्टीप्लाई, मतलब कि सब में स्ट्रेंथ अच्छी होगी, अंडरटेक मोर एक्टिविटी हो गया, वो एक्टिव रहेगा काम करने में। ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजिली मीट द चैलेंजेस, कैन एक्सपेंड द एक्टिविटीज इन द प्लान मैनर। अब ऐसे है कि जो एम्प्लॉयज है वो अपना काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, एक क्लैरिटी, मतलब कि क्लैरिटी में करेंगे ताकि सबको समझ भी आए, और क्या है, एक मैनर में करेंगे, प्लान मैनर में, कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।